नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पई एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट के पेरेंट के माइंड में होगा जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और वो है कि डॉक्टर साहब, ये बीमारी कब तक चलेगी? क्या ये एक बार में ठीक होगी, एक साल में ठीक होगी, 18 साल तक चलेगा, क्या ये जिंदगी भर चलेगा? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना जरूर, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मेन ट्रीटमेंट तो स्टेरॉइड्स है, और जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो बेस्ड ऑन आपके बच्चे का रिस्पॉन्स कैसे है स्टेरॉइड्स को, आपके बच्चे को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, आइदर स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम या स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे बात किया है वो एक बार पहले देख लीजिए। तो स्टेरॉइड सेंसिटिव पेशेंट्स स्टेरॉइड्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। कितना भी दो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नाम में ही लिखा है स्टेरॉइड रेजिस्टेंट। तो अब अगर आपके बच्चे को स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो आप लकी हो। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को पहला एपिसोड हुआ होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, आपने स्टेरॉइड्स दे दिए और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला होगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर एक बार भी कोई रिलैप्स ना हो, बट ये बहुत रेयर है। कॉमनली हम ये देखते हैं कि 60-90% केसेस में रिलैप्सेस होते हैं। जैसे उम्र बढ़ता है वैसे रिलैप्सेस कम होते हैं, बट अगर रिलैप्सेस ज्यादा हो रहे हैं तो फिर हमें स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट्स देने पड़ते हैं। और जब ये बच्चे 15 से 18 साल की एज में पहुंचते हैं तब ये बीमारी को आउटग्रो कर देते हैं। पर ध्यान रखिए, 18 साल पर ऐसा कोई बटन दबता नहीं कि जिसके कारण 18 साल के बाद ये रिलैप्स हो नहीं सकता। होता है, अडल्टहुड में भी एक आध दो रिलैप्सेस हो सकते हैं, बट वो इतने ज्यादा सिवियर नहीं होते। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे। अगर आपके बच्चे को स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तब ये बीमारी कब तक चलेगी? अगर स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनता है तो एक रीनल बायोप्सी करनी पड़ती है। रीनल बायोप्सी में मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स होते हैं मिनिमल चेंज डिजीज या फिर FSGS यानी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। आजकल हमारे पास अच्छे मेडिसिन्स हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, जिससे हम SRNS को कंट्रोल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सारों की बीमारी कंट्रोल नहीं होती। अगर आप ये स्टडीज देखोगे तो इनमें देखा गया है कि 10-30% केसेस में अगर डायग्नोसिस FSGS है तो वो बीमारी किडनी फेलियर की तरफ चली गई है। बट ये स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट सही टाइम पे लिया हो और सही ट्रीटमेंट लिया हो तो फिर बीमारी अच्छे कंट्रोल में आती है। सो ये बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट काफी लंबे टाइम तक चल सकता है, 18 साल के बाद भी चल सकता है। सो एंड में मैं यही कहूंगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से सही टाइम पे ही होना चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, नमस्ते।